ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। ये मुठभेड़ सहारनपुर जनपद के थाना नानौता का है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पठानपुरा के प्रधान शाहिद से लूट की घटना को कारित करके भाग रहे बुलेट सवार दो बदमाशों का नानौता इलाके के भोजपुरा गांव के पास पुलिस ने घेर लिया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिए, जिसके चलते जब पुलिस द्वारा पलटवार फायरिंग की गई तो एक बदमाश संदीप के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश 25,000 का इनामी है और इस पर पहले से ही कई थानों में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल बदमाश से एक बुलेट मोटरसाइकिल लूटी गई, हजारों की नकदी, एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि पठानपुरा प्रधान द्वारा ननौता पुलिस को सूचना दी गई कि दो बदमाशों द्वारा उनसे पर्स व मोबाइल लूट ले गए हैं, तो पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ही फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा के दौरान जब पुलिस ने फायरिंग की तो एक बदमाश घायल हो गया, जो थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इस पर वहां से इनाम भी है। हमारे पास एक संदीप 30 साल पुरुष लेके आए हैं कपिल 1800 थाना नौका द्वारा उनको लेके आया है। एक ही बंदा है जो इंजर्ड है, भैया भाई ने भर्ती किया है, उसका हमारे यहाँ पे इलाज चल रहा है। सर आपका परिचय? मैं सर डॉक्टर परवेज, एक मिनट रोल। आपका परिचय? मैं सर डॉक्टर परवेज जमन, एमएसबी टीम के हॉस्पिटल सारणपुर। ये गनशॉट आपके पास आया, कितना सीरियस है और क्या है? गनशॉट आया हमारे पास जो कपिल कांस्टेबल द्वारा लाया गया था ननौता से, टांग टांग में उसको चोट लगी हुई है, गोली लगी है चोट। हाँ, फायर आर्म का है चोट, गोली लगी है, उसको हमने भर्ती किया, उसको हमारे यहाँ पे इलाज चल रहा है। निवासी ग्राम पठानपुरा थाना क्षेत्र ननौता द्वारा थाना ननौता पर सूचना दी गई कि जब अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से अपने गांव वापस आ रहा था तो दो बुलेट सवार बदमाशों द्वारा उसका मोबाइल एवं पर्स छीन लिया गया। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष ननौता और उनकी टीम द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसका नाम संदीप है, जो थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इसके ऊपर वहां से इनाम भी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जो उसके साथ था अभी पूछताछ की जा रही है। घायल को चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल, साथ ही जो रुपए लूटे गए थे, पर्स और मोबाइल भी बरामद किया गया है।